नमस्कार, मैं हूं मंजू पुरी। पंजाबी तड़का चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं घर में बची हुई ब्रेड से बच्चों के लिए झटपट बनने वाला नाश्ता। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर एक कटोरी बेसन लिया है, एक हमने बड़ा प्याज लिया है, आधा चम्मच हमने डाला है चाट मसाला, आधा चम्मच हमने लिया साबुत धनिया, आधा चम्मच हमने लिया है सौंफ का पाउडर, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आधा धनिया, थोड़ा सा हमने डाला है इसमें काला नमक, थोड़ा सा हमने लिया है सादा नमक। सादा नमक हमने इसलिए कम लिया है क्योंकि चाट मसाले में भी नमक रहता है। और आधा चम्मच हमने लिए लाल मिर्च का पाउडर। अब हमने इसे अच्छे से पतला पतला घोलना है। इसकी कंसिस्टेंसी अपने को बिल्कुल ही पतली रखनी है। जब इसमें ब्रेड डालेंगे तो वो एकदम डिप हो जाए। ये अभी भी थोड़ी गाढ़ी है। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस पर लगाएंगे ऑयल। ऑयल लगाने से पूरा ग्रीस हो गया है। अब हमने यहाँ पर जो बेसन का बैटर बनाया था इसमें हम अपने ब्रेड को डिप करेंगे। एक कॉफी हमारा सीख चुका है। अब हम इसे भी हमने धीमी आंच पे सेकना है। लिया है पनीर और इस पर हम करेंगे इसको ग्रेट। ये हमारा सैंडविच बन चुका है। आइए सैंडविच हमारा रेडी है, इसको हम कट करते हैं। सैंडविच हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको हमने करना है कट। देखिए अंदर से कितना क्रीमी और कितना अच्छा लग रहा है। सैंडविच हमारे तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको मेरी ये कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है और आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं वो आपको बना कर दूँ। थैंक यू एवरीवन, बाय।